हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं निकला हुआ था भाई पालिका बाजार की तरफ कुछ गेमिंग से रिलेटेड गैजेट्स ढूंढने के लिए, और अभी मैं आया हुआ हूँ शॉप नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक्स पैलेस। तो यहाँ पर कुछ अपने गैजेट्स भैया ने दिखाए हैं। बाकी आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि निंटेंडो स्विच खरीदा था मैंने ओलेड वाला, तो उसकी भी कुछ गेम्स लिया जो टाइम टू टाइम अनबॉक्सिंग होती रहेगी। और एक चीज़ मुझे पता नहीं थी इंडिया में ऐसी कुछ चीज़, मतलब बाहर से ही आई है तो इम्पोर्टेड ही है, और मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ लॉन्च हुआ है। तो ये PS1 का ही ना वापस से, जैसे गेम्स रीमास्टर्ड होती हैं उसी तरह से एक तरह से पूरा कॉन्सोल ही रीमास्टर्ड हो गया, और ये HDMI केबल के साथ है ना, मतलब आप मस्त TV में लगा के PS1 की जो क्लासिक गेम्स थी ना उनको एंजॉय कर सकते हो। कितने का भैया ये? ये भैया 7000 रुपये का है। 7000 रुपये का, बट ये विदाउट बिल है, मतलब वारंटी नहीं मिलेगी इसकी। तो एक ये मैं ले रहा हूँ, बाकी गेम्स भैया थोड़ी सी बता दो निंटेंडो की कौन कौन सी अपने पास। 2500 रुपये का Assassin's Creed भैया, ठीक है। ये 4000 रुपये का है, ठीक है। ये 3000 रुपये का, ठीक है। ये 4000 रुपये का भैया मोशन हंटर विचर है, ठीक है। विचर भैया ये 4500 रुपये का है। पोकेमॉन शील्ड है, ठीक है, 4500 रुपये का। क्रॉनिकल है ये, ठीक है, 4000 रुपये का। बाकी मैंने FIFA 21 लेटेस्ट, ये कितने की है भैया? ये 2500 रुपये का भैया, 2500 की। ये WWE की, इसमें सिर्फ एक ही मतलब लेटेस्ट यही है 2K18, ये कितने की पड़ी है? 1500 रुपये की भैया। ये मैंने लिया है एक, बाकी निंटेंडो लिया तो मारियो लेना बनता ही था। ये कितने की ओडी थी? ये भैया 4000 रुपये का, 4000 की है। और एक मोटर कॉम्बेट 1, ये भैया 2500 रुपये का। तो ये चार डिस्क की अभी तक तो डिस्क नहीं सॉरी कार्ड्स है, और इसमें से ये जो है ये डिजिटल ही है, मतलब ये डाउनलोड होगा। तो चार ही पसंद आई है, बाकी तो नहीं। इसमें कितने की? 4000 रुपये का भैया, 4000 की। इसके अलावा PS वगैरह 5 की 4 की सारी गेम्स ही आ गई है ना, और कॉन्सोल्स वगैरह भी सारे आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। और ये तो चलो ठीक है, कॉन्सोल तो है। इसके साथ साथ एक और बढ़िया चीज़ लगी, PS1 का ही और छोटा वर्जन, बट ये गेम नहीं है, मतलब चलती नहीं है, इसके अंदर कार्ड जाए। इसकी भी अनबॉक्सिंग लाऊंगा जल्दी चैनल पर। बाकी फिलहाल तो यही चीज़ें समझ आई है। क्रिकेट 19 चाहिए थी, वो नहीं मिल रही कहीं पर भी, वो फिर स्टोर से। नवंबर को 22 आ रहा है। हाँ 20, बट वो स्विच के लिए जनवरी में आ रहा है ना, पंगा ये है, इसलिए तो वेट नहीं होगा 3 महीने तो, क्योंकि अभी आ जाता तो फिर टेंशन नहीं थी। किस भाई तरीक को क्रिकेट आ रही है? क्रिकेट वो उनकी आ रही है ना, PS वगैरह की आ रही है, फाइव की, एंड आपकी बैटल फील्ड आ रही है 19, बैटल फील्ड हाँ सारे फर्स्ट डे मिलेगी आपको। बाकी घर बैठे बैठे भी मिल सकती है, आना ना पड़े, मतलब पूरा दिन वेस्ट हो जाता है आने के चक्कर में, तो मंगवा लेंगे, पेटीएम कर दो आपको, यहाँ से हम डिलीवर हो जाएगा, एक दो घंटे में पहुँच जाता है। बाकी भैया ने अब लॉजिटेक में भी डील करना शुरू कर दिया, पहले नहीं था ना, अभी इस बार देखा मैंने। हाँ तो काफी जो मेजर पॉपुलर हेडसेट्स है ना वो सारे हैं, और रेट्स भैया कह रहे हैं ऑनलाइन से कम मिलेंगे, पक्की बात गारंटी रहेगी, देख लो। वो तो अमेजोन पे बंदा चेक कर लेगा, है ना, ठीक है। और मेन चीज भाई, मेरे सेटअप को देख के काफी लोग पूछते रहते हैं मेरे स्टेयरिंग व्हील के बारे में, तो मैं यूज करता हूँ भाई लॉजिटेक का G29 विद शिफ्टर। कहाँ है भैया इसका? ये है इसका शिफ्टर। तो ये सेट मैंने ना उस टाइम पे मंगवाया था अमेजोन से, जब कहीं भी ना ऑफलाइन मिलता ही नहीं था, तो अब ये स्टोर पे है भैया के पास। क्या रेट है भैया, पहले तो सिंपल उसका बताओ भैया। 24000 रुपए का वो लॉजिटेक G29 है। अच्छा हाँ जी। और ये शिफ्टर के साथ? ये 30500 बनती है, 30000 का पड़ेगा, 30000 रुपए का। मैंने अमेजोन से लिया था 35 कुछ का, तो अभी भी आप अमेजोन चेक कर लेना, रेट भैया कह रहे हैं उससे सस्ता ही पड़ेगा। वो खाली शिफ्टर कितने का ये? 6500 रुपए का, 6500 का। जिसके पास स्टेयरिंग व्हील है वो खाली शिफ्टर भी ले सकते हैं, और बहुत बढ़िया। इसके ऊपर तो कोई मॉडल आया नहीं अभी, G9। अच्छा आ गया, ये 923 आ गया। ये कितने का है? ये 40000 रुपए का, 40 का। और ये 29 जो है PS5 में तो चलता है, ये चलता है चलेगा पूरा, दोनों चलेंगे। और इसका शिफ्टर, इसका शिफ्टर क्या काम करेगा? यही काम करेगा। तो ये सेट कितने का पड़ेगा उसके साथ पूरा? 40500 बनते हैं, 40000 रुपए का भैया, 40 का प्लस वो है PS का ही। लेकिन और एक्सबॉक्स का कौन सा है आपके पास? कोई भी नहीं। और इसमें सस्ता ये वेरियंट, ये दोनों, ये एक PXN का, एक R27, ये दोनों 5000 नीचे है, जोन से बचे लो। बस इसमें वो नहीं है शिफ्टर, शिफ्टर नहीं है। तो नॉर्मल अगर किसी को वैसे ही थोड़े दिन के लिए मजे लेने हैं रेसिंग स्टीयरिंग व्हील के, तो ये वाले भी ले सकता है। उसका हेडसेट है ये। अच्छा ये वायरलेस है, वायर्ड है, वायर्ड है। कितने का ये? 6000 MRP, 10% डिस्काउंट है। ये इंडियन है? इंडियन। और ये भी जितना भी है लॉजिटेक सारा इंडियन है, 2 साल का वारंटी इसके अंदर बिल मिलेगी, प्रॉपर मिलेगा, जीएसटी आपका। हां ठीक है, तो वारंटी का कोई इशू नहीं है। कई लोग लॉजिटेक पहले भी इम्पोर्ट करते थे, बट वो फिर वारंटी का इशू रहता था, तो भैया के पास इंडियन ही मिल जाएगा, कभी भी दिक्कत होगी 2 साल में आप क्लेम कर सकते हो लॉजिटेक। लॉजिटेक की तो सर्विस इंडिया में अच्छी है, और काफी पॉपुलर ब्रांड है, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो भाई करते हैं फटाफट से और घर निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। हाँ ये भैया के शॉप का कार्ड है, नंबर है, आप पहले ही पूछ सकते हो आने से पहले, काफी टाइम से जानते हैं भैया तो, मतलब बहुत 3-4 साल की पहले की बात है, यहीं से सामान लेता था मैं काफी ज्यादा।
कर दो भैया, ठीक है निकलते हैं जल्दी से। बाकी भाई फाइनली द फ्यूचर ऑफ गेमिंग Oculus Quest 2, ये वर्जन 2 है इसका। पहले वर्जन 1 आता था उसमें 64 GB भी आता था, अब इस वाले में आ रहा है 128 GB वेरियंट और 256 GB वेरियंट। तो 256 मैं लेना नहीं चाहता था क्योंकि 10-10.5 हज़ार रुपये का फ़र्क है रेट में, और इतना मेरे को वर्थ नहीं लगा क्योंकि मुझे ये चीज़ PC के साथ कनेक्ट करके यूज़ करनी है। तो मैंने भैया से 128 GB लिया। भैया कितने का पड़ेगा अगर कोई सब्सक्राइबर आता है? 29,000 बेस्ट प्राइस। और ये इम्पोर्टेड पीस है, ठीक है, ये इंडिया का वेरियंट नहीं है। इसमें आपको बिल नहीं मिलेगा, वारंटी नहीं मिलेगी, बट ये सील पैक्ड मिलेगा। तो आप घर जाके अपना खुद से अनबॉक्सिंग कर सकते हो, प्रॉपर चेकअप करो। और वैसे ब्रांडेड चीज है, फेसबुक की तरफ से ये देख लो आप, ये फेसबुक की कंपनी है ओकुलस। तो खराब तो ऑब्वियसली बात है नहीं है, बहुत कभी लाख में एक केस हो सकता है, एक केस आए तो आ जाएगा। तो फाइनली भाई ले लिया ये। पहले मैं कंफ्यूज था PSVR लूं या ये लूं, बट VR ना बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, ये कुछ यूनिक है। ये PC के साथ कनेक्ट करके आप GTA भी खेल सकते हो, और प्लस ये वायरलेस है पूरा का पूरा। जैसे PSVR आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ना PlayStation में, ये आप बिना कनेक्ट करे ना PC से, इंटरनल इसमें इतने सारे फीचर्स है, आप Netflix देख सकते हो, YouTube देख सकते हो, और इसकी जो इनबिल्ट VR गेम्स है खरीद के वो भी खेल सकते हो। तो बहुत सही चीज़ है, इसकी डिमांड तो तगड़ी होगी इंडिया में, जब से ये इंपोर्ट होने लगा काफ़ी डिमांड आई है इसकी, है ना। इसके अलावा 256 GB ना सिर्फ वही लोग लो जिनको मूवीज़ देखने का ज़्यादा शौक है या फिर इसकी इनबिल्ट गेम्स खेलने का शौक है, क्योंकि PC में कनेक्ट करने में स्टोरेज का कोई रोल नहीं है। तो भैया 256 का क्या प्राइस? 39,000 और इसका 29,000, मतलब लगभग 10,000 रुपये का फर्क आ गया। मुझे वैल्यू फॉर मनी 128 GB लगा, इसलिए मैं 128 लेकर जा रहा हूँ। फाइनली इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे घर जाके अगली वीडियो में, इसमें नहीं, ठीक है जी। भैया कर दो पैक इसको, फाइनली निकलते हैं। और शॉप नंबर 1 पालिका बाज़ार, गेट नंबर 1 से एंट्री लोगे, पहली वाली दुकान आपको भैया की दिख जाएगी, वो देखो वहाँ से सीढ़ियों से उतर रहे हैं लोग, उसके बिल्कुल सामने वाली शॉप है। इन्हीं भैया से मैंने निंटेंडो भी लिया था, आपको याद होगा लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। बाकी कार्ड दिखा दो भैया, ये कार्ड है, ये नंबर भी दे रखा है, भैया से पहले कॉन्टैक्ट कर लेना फ़ोन करके कुछ भी अगर आपको रेट्स पूछने हैं या स्टॉक का पूछना है। इसके अलावा PS में भी डील करते हैं, PS5 भी है इंडियन वाला, निंटेंडो भी है। मैंने निंटेंडो खरीदा था, क्या प्राइजेज है वो सब लास्ट ब्लॉग देख लेना, उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्राइजेज से रिगार्डिंग। बाकी अभी भाई मैं निकलता हूँ, गला वैसी ख़राब है और रात हो रही है, जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं। चलो भैया थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं फिर कभी, है ना, डिस्कस आएगी कोई। ओके जी चलो।